चलिए जी, करें शुरू। यस जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं रेणु। थैंक कल कोई काम दियो, मैं पढ़नो शायद याद आए थे। हाँ सर जी दी हूँ कौन कौन याद कर गया है? सर जी, कल और क्वेश्चन दोबारा बताइए। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, हमने एक बार बोल दिया वो बोल दिया। हमें याद नहीं रहते इतने प्रश्न कौन कौन सा बोला है हमने। हेलो, कांदा किसो पूछे ही कोई रेडियस तो पर्सन तो वही हो कि रेडियस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है या फिर यहाँ बताना है भी डिफरेंस हो रहा है तो कौन ही हो रहा है? ओ तो भाई मेरे को नहीं, मेरे जाने में तो यही है। हुआ तो है डिफरेंस तो ये वो डिफरेंस के हुए क्या करना है बच्चा? पार्टी? वो एक्सपेरिमेंट कराने चलो, मैं मान के चलूंगा कि आप लोग जो हैं कल वाला सारा अच्छे से पढ़ के आए हैं। चलिए, स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आपके साथ। अब्सेंट कौन है? एक तो पूजा को बाकी ने गई है पैगाम तरह। हाँ जी, दिख रहा है आपको कनकेव मिरर?
यस सर। चलिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जो मटेरियल चाहिए वो देखिए, एक कनकेव मिरर चाहिए होगा, एक स्टैंड चाहिए हमें, ठीक है, चाहिए पता नहीं क्यों पर उसने कहा है चाहिए तो चाहिए, एक कनकेव मिरर चाहिए, एक स्टैंड चाहिए, एक स्क्रीन चाहिए, एक इल्यूमिनेटेड वायर को चाहिए, और एक क्या चाहिए, मीटर स्केल चाहिए यू और वी को नापने के लिए, ठीक है। रियल लैब वाला हम नहीं देखेंगे प्रोसीजर, अपने पास जो प्रोसीजर आएगा वो कौन सा आएगा, वर्चुअल लैब का। तो वर्चुअल लैब क्या कहती है, सबसे पहले स्लाइडर से क्या करना है, आपने कोई भी फोकल लेंथ सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने लाइट ऑन करनी है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका मिरर और आपका ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेट करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डिस्टेंस और स्क्रीन, यानी कि जो ये आपका मिरर है और ये आपकी जो स्क्रीन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपने सेट करनी है, ठीक है। और कब तक करनी है, जब तक आपको एक क्लियर इमेज ना मिल जाए, ठीक है, यानी कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक साफ सुथरी इमेज ना दिखाई दे आपको, तब तक। और जब वो हो जाए उसके बाद आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है फार्मूले से, एफ इजिकल टू यू इंटू वी डिवाइड बाई यू प्लस वी। आ भी गई समझ में बात? Yes, sir. टेबल दिखाई था ना, टेबल नीचे। Yes, sir. आ देखो, डिस्टेंस बिटवीन मिरर, मिरर ऑब्जेक्ट की यू और इमेज की वी, फिर आप क्या निकालेंगे, वन बाई यू और वन बाय वी, ठीक है। और फिर अपना फार्मूला जो को है इन अंदर आप पुट कर देंगे, फार्मूला अपना ये है एफ इजिकल टू यू कोमा वी और यू प्लस वी, ठीक है, यू कोमा वी, अरे गुणा मतलब डॉट का मतलब गुणा होता है ना। ठीक है, उस बात के हम क्या निकाल लेंगे, मीन फोकल लेंथ निकाल लेंगे, क्योंकि एक दो तीन और चार जो या पांच जो वैल्यूज अपनी आएंगी उनका क्या करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सभी का सम निकाल के और फाइव से डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। जी ये आज कौन आ गया, नार्जो रियलमी 10, अपना नाम बदलो भैया, रेणु आर्चो कर दो रफ या टेबल बना रहे हो अभी तक? बना रहे हैं। लो बना ही लो जी, प्रैक्टिकल में तो किसी की जगह रखे टेबल है, वहां बना लेंगे आप लोगों के बंपड़े है, किसी बनानी है, आ बनानी है कि प्रैक्टिकल आ रही है, आ बनानी है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल करे आगे थे बा बना होगा, फिर मार्को में कोई पूछा को बहुत प्रैक्टिकल में पूछा को, बिल्कुल पूछा को, पर प्रैक्टिकल थे पर फॉर्म ही ऑनलाइन करे तो टेबल तो भी हिसाब में बनानी पड़ी था ना, कोई पूछा को भी नहीं है कभी ऑनलाइन पूछ ले। हां जी, उनको आप खुद कहोगे कि हमने वर्चुअल लैब में किए हैं एक्सपेरिमेंट, क्या कहोगे? कि हमने वर्चुअल लैब में किया एक्सपेरिमेंट। वेरी गुड, और वहां पर टेबल ऐसी नहीं थी इसलिए हम इस टेबल के हिसाब से नहीं कर सकते, आप हमें एक बार समझा दीजिए कि इस टेबल से कैसे करते हैं, हम कर देंगे। जरा भी ना माने तो मेरा नाम ले लियो, फिर वो जमा ही कौन माने, वो
कितना गड़बड़ है भैया इसमें। अपली सही है, सॉरी है। चला एक्सपेरिमेंट करने के। लिख लियो। हाँ जी पारू लिख लियो के? लिख लियो। और दीक्षा? यस सर। चलो आज बांगी बेस कौन बोल रहा है? किन्हें आई डी कौन की एब्सेंट है? हमारी कौन बोल रहा है? चलिए हाँ जी क्या करेंगे हम? सबसे पहले लाइट को जो है ऑन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो अपना डिस्टेंस है मिरर और ऑब्जेक्ट की, उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ठीक है जी। ओ सर जी मिरर लग गया तो प्लेन सो है। ओ प्लेन लग गया पर प्लेन को नहीं, क्योंकि जो प्लेन हो यार नहीं तो थाने आ दिखन ला देखे। आ देखो कन्वर्जेंस की दिखे नहीं, लाइट की दिखेगी आज की कन्वर्जेंस होने लग रही, ठीक है। आज की लाइट है डाउन जान ला रही नहीं, आ डाउन ही आ क्यों जान ला रही है, क्योंकि बीन लेंस किसकी कर्वेचर है, बाकी है ई टाइप की है। जब वह लाइट पड़ गए तो शार्प ही आने लग रही है, ठीक है। अपन बेर वह लाइट रुकत बात को नहीं तो लाइट फिर पार निकलेगी, ठीक है, तो वापस फिर धुंधली हो जाएगी। अपन जब गिरे ज्योमेट्री में पहला एक्सपेरिमेंट करता नहीं तो ये बन तो एक कर तो पूरा डार्क बन जाए, तो आप ऊंचो करता फिर एक धुंधलो सो सर्कल और ड्रा हो जाए, तो और दूर करता से एक और धुंधलो सर्कल मतलब बड्डो छोटो हो तो रहे तो, और नेड़ा ले आता तो फिर वो पिन पॉइंट बन जाए, तो और नेड़ा ले जाता तो वो फिर पाछो धुंधलो जाए, तो क्यों, क्योंकि अब लाइन की है बा फोकस पॉइंट के बाद में वापस चौड़ाई लेने लग जाए, ठीक है। तो आप आके काम करांगा, पहला यू ने सेट करांगा कितवा यू माइनस और देखो लिख रहा है आठ, देख कितने लिख रहे 69 सेंटीमीटर। हाँ जी 69 सेंटीमीटर यू लिख दियो 69 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके काम करना है आप स्क्रीन ने नहीं एडजस्ट करांगा, इतो एडजस्ट करांगा कि आपनी जो की इमेज है नहीं बाइंग ऊपर क्लियर बने। अब इमेज कौन बन ला रही नहीं करे देखो अब बनेगी ठीक है, बिल्कुल क्लियर इमेज लेनी है आप। कितना पर बनाया क्लियर इमेज? लिख दियो फिर 89.7 वी है क्या? हाँ जी अब वी है, तो हाँ यही आगे टेबल में आ गया ऑटोमेटिक कर दिया मैंने। अब आपा के काम करांगा दोबारा आज की लेंथ है इन्हें लावांगा, इन्हें मैंने आई बात है
जी बन गई के yes. के धुंधी धुंधी है हाय बनी है बन गई के साफ पानी हाइब्स अब देखो अपनो ऑब्जेक्ट है इमेज है एक ही जगह बनने लग रही है नहीं दिखाई था ना थाना बात समझ में आई की थोड़ी सी आपने देखो ऑब्जेक्ट है अपनी इमेज भी बठाई बनने लग रही है मतलब के है वो कट पड़ी है एट सी हाँ जी डेफिनेटली एट सी चलिए चार गणी है मैं में हाँ जी ए और लिख लिखे सागे हैं वन बाई यू वन बाई वी आर ई चलो कौन बोल बोल कर बताएगा क्या क्या लिखा आपने हाँ जी बोलो रेणु U 69 सेंटीमीटर और V 89.7 हाँ बोलती रहे 1/U 0.0145 और 1/V 0.0111 कितो 0.0111 और F कितो आ गयो 39.0000 हाँ जी सेकंड में U 74 V 82.5 1/U 0.0135 1/V 0.0121 और F 39.0096
U has 85, V 72.1, 1 by U 0.0118, 1 by V 0.0139, or F 39.0102. अब क्या निकालेंगे हम मीन कैसे निकलेगा 39.00 प्लस 39.0096 प्लस के अंदर 39.0102 प्लस 39.00 डिवाइड बाय कितना होगा फोर कितना आ जाएगा 39.00 ठीक है ठीक है क्या ठीक है सच में ठीक है बढ़िया एफ कितना आ गया 39 सेंटीमीटर सर ये नीचे दिया है ये क्या दिया नीचे 10^-2 मीटर इनटू में क्या आएगा कौन सा पेज नंबर है पेज नंबर बता टेबल के नीचे ही है किसी टेबल कटा टेबल ठेल लिखवाया अच्छा वो तो सेंटीमीटर है ना सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया कर दो 39 सेंटीमीटर को कोई जरूरत नहीं है वैसे सेंटीमीटर पड़ा रहने दो चाहे ठीक ठीक है अब अपने प्रैक्टिकल में दिए है ना ये रफ फोकल लेंथ ऑफ गिवन कनकेव मिरर करने हैं क्या नहीं नहीं कुछ नहीं करना इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ ये एक ही टेबल बनानी है अपन ने ठीक कैलकुलेशन भी कौन करनी कैलकुलेशन और तो बड़ी बहुत दे रखी ग्राफ बनाना है नहीं अगर करने का मन है तो कर लो कि ग्राफ बनाए आप लोगों ने मेरे ख्याल से तो नहीं बनाया किसी ने ग्राफ इसमें यो एम ही ग्राफ बनाना है कहां है एम To find the value of V for different values of U in case of a concave mirror and to find its focal length. इतना ही है By plotting graphs. मेरे वाले किताब में तो इतना नहीं लिख रखा भाई मार्लिन तो दे रखे अच्छा कौनी मार के फिर जी करेंगे बनाने को बन दे फिर बाकी बनानो केस और दो रहे तो U और V के बीच को ग्राफ तो बनानो है पर तो लिखे बहुत रखे हो बहुत कुछ लिख तो रहे अभी देखो मैं थाने एक चीज दिखाऊं और दिखा के
अब ओ जो को ग्राफ है वो यू वी को है, और ओ जो को ग्राफ है वो क्या को है, वन बाई यू और वन बाई वी को है। अपनी वैल्यू चेक करोगा नहीं तो थोड़ा पता चल जाएगा। आ देखो जिया जिया जो को यू है वो बड़े है, बिया बिया वी जो को है वो घटे है। लग रहे नहीं हूँ, इतरो तो 89 है, 74 हो गए तो 82 हो गयो, 78 हो गए तो 78 हो गयो, और 85 कर रही हो तो 72 हो गयो। समझ में आयो? अटेंडेंस लगा दे फिर आपकी। लगा दो। रेनू शाम ने तो फिर पार्टी है गिरे नहीं? आओ की तो ला मनाता के जोरा वे, मेरा तो काका हो घर है, मैं तो कद ही आ जाऊं। हाँ तो मिठाई ना खुआ तो बात अलग है। चलिए जी, रोल नंबर एक। यस सर। दो। यस सर। तीन। यस सर। चार। पांच। यस सर। छह। यस सर। सात। यस सर। आठ। बस हो गया इतना ही। छह बच्चे प्रेजेंट हैं, दो बच्चे एब्सेंट हैं। अब आठ ना, अभी ये रियलमी नार जो पूजा है या प्रियंका है ये कुछ समझ नहीं आ रहा ना, बोल भी तो नहीं रहे कोई, बिना बोले हम उनको पहचानेंगे कैसे? मुझे छोड़ के सात लोग हैं। सात प्रेजेंट हो तो गई कट है। सात प्रेजेंट सही प्रेजेंट है तो देखो। अरे वो तो गिनो ही को नहीं है तो लगा क्या मेरा किए इंगी लगानी है तो दिक्कत तो भाई ये नहीं, वो तो काउंट ही नहीं तो मेरो है। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? सर इसका रिजल्ट क्या होगा? फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉनकेव मिरर टू म्यू वी ग्राफ इज। भाई अभी के निकाले थे 39 जो को निकाले वो के है,
दोनों सेम ही होगा तो फोकल ले वन बाय यू और वन बाय वी तो ग्राफ प्लॉट करना है लेकिन अपनी फोकल लेंथ तो U और V आवेगी नी वन बाई यू या वन बाई वी ना दोनों को नहीं आवे एक आवेगी इनमें तो दोनों हम ग्राफ ही लिख रखे हैं कोई नहीं ग्राफ तो बनाया बनाया बने रिजल्ट में भी ग्राफ ही है कोई रिजल्ट में ग्राफ को नहीं मेरी आप भेजड़ी है थाने होमवर्क गए मां पीडीएफ है याद को नहीं के लाइब्रेरी बट लिखे एक लाइन लिखनी है द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस मिरर इज अरे 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 काल की अटेंडेंस फेर है कि रहे थे याद कौन कराओ टाबरो मेरे मैं सोचे लगा दी होगी इतना सोचे करो इतना मैं कौन सोचूं आज की लग जाएगी सॉरी सी आज ही कौन लगे